गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी थ्योरम पे, ठीक है। तो चूँकि इससे पहले जो बेसिक था उस पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, वो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब जो हम लोग आए हैं इसको थ्योरम पे, कि इसका थ्योरम कौन कौन सा है। जैसे एक एडिशन थ्योरम है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, वेज थ्योरम है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम है। तो इस पर वन बाय वन करके हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरम है ये क्लास, ये लेक्चर नंबर 6 चल रहा है प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लेक्चर नंबर 6 होगा ये। ये आपको लेक्चर नंबर 6 है। तो आप देखिए बेसिकली प्रोबेबिलिटी थ्योरम है क्या, मतलब कि प्रोबेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ थ्योरम दिया गया है, ठीक है ना। उसी थ्योरम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरम, कि मतलब सम को कैसे हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक ना, उसका कुछ सिद्धांत है, ठीक ना। तो सबसे पहला देखिए इसका फर्स्ट है, फर्स्ट आपको आएंगे फर्स्ट है एडिशन, एडिशन एडिशन थ्योरम है। दूसरा होगा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। तीसरा होगा बेस थ्योरम, बेस थ्योरम होगा। फोर्थ में होगा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम होगा। इसी को और करके हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। इसी को मैं बोलता हूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। तो अब हम लोग यहाँ तक समझ गए हैं कि बेसिकली प्रोबेबिलिटीज़ का चार थ्योरम है, देयर आर फोर थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इस चैप्टर में। पहले आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे समझेंगे, पहले तो हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद यहाँ आगे चलेंगे। तो देखिए एडिशन थ्योरम में क्या है, ये जो एडिशन थ्योरम है ये, इसमें जब कोई दो घटना है, टू इवेंट जब आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, ठीक ना, जिसमें से किसी एक घटना को घटने की प्रोबेबिलिटी P1 होगा और दूसरे को घटना घटने की प्रोबेबिलिटी, मतलब इवेंट हैपनिंग होने का P2 रहेगा, तो वहाँ पे दोनों में से किसी एक को घटने की संभावना क्या होगा, P1 + P2 हो जाता है। मतलब ये कि जब कोई दो इवेंट होगा, ठीक ना, यहाँ म्यूचुअली, पहले समझिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होगा, तो तभी पता चलेगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या होता है, कि म्यूचुअली जब एक किसी घटना को घटना जाने से
किसी दूसरा घटना को घटने की संभावना जब समाप्त हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे अगर मान कर चलिए हम लोग कोई क्वाइन को टॉस करेंगे, तो क्वाइन को जैसे टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल। जब हेड आएगा, जब हेड आएगी तो टेल आने की संभावना समाप्त हो जाएगी। यदि टेल आएगी तो हेड आने की संभावना समाप्त हो जाती है, ठीक है। उसी को बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यहाँ पे सब चीज़ को थ्योरी समझ के चलना है। एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब समझ रहे हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है कि जब एक घटना को घट जाने से आने वाले ट्रायल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो अपने आप में स्वतंत्र होता है, तो उसको इंडिपेंडेंट इवेंट बोला जाता है। जैसे अगर कोई टॉस क्वाइन को टॉस करते वन टाइम, तो यहाँ पे या तो हेड या टेल आएगा, तो फिर हम अनदर टाइम हम लोग क्या करेंगे, टॉस करेंगे, तो वहाँ पे इसका संभावना पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वहाँ भी फिर से, यहाँ यदि हेड आया होगा तो फिर वहाँ फिर से भी हेड आ सकता है, इसलिए कि वन ट्रायल हुआ, यहाँ हेड और टेल, अपने आप में सेकेंड ट्रायल भी अपने आप में ही वो स्वतंत्र है कि वहाँ पे भी या तो हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। उसको बोला जाता है इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट बोला जाता है, ठीक ना। तो क्या समझे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या होगा, जब कोई दो घटना टू इवेंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, उनमें से एक घटना को घटने की संभावना पी वन होगा, ठीक है, और दूसरा को घटने की संभावना पी टू होगा, ठीक ना। तो उनमें से दोनों में से, उन दोनों में से किसी को घटना घटित होने की संभावना क्या होता है, प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू होता है पी वन और प्लस पी टू हो जाती है, ठीक है। इसी को हम लोग को याद रखना है, ध्यान रखना है, समझ के रखना है। या यूं कहे, यदि दो घटनाओं के मध्य यानी कि टू इवेंट के बीच यदि और शब्द आए इंग्लिश में, तो वहाँ भी हम लोग एडिशन थ्योरम का रूल्स अप्लाई करते हैं, और या हिंदी में या शब्द आ जाए। जैसे अगर हम बोलेंगे कि यदि किसी क्वाइन को टॉस किया गया है, या डाइस के लीजिए एग्जांपल, अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तो वहाँ पे बोलेंगे ऑड आने की क्या संभावना है, ठीक ना। तो मानकर चलिए वहाँ पे ऑड नंबर अगर कोई डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या है, वन है, टू है, सॉरी थ्री है, फाइव है, ये तीन है, ठीक ना। तो एक पहला आने की संभावना क्या होगा, वन बाई सिक्स होगा, प्लस इस तरह करके आएगा सब, तो सबको मैं ऐड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस सिक्स, वन प्लस सिक्स, प्लस वन प्लस सिक्स इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री बाई सिक्स हो जाएगा। तो ये एडिशन होगा, मतलब कि इनमें से ऑड आने की क्या संभावना है, बात समझ गए ना। तो यहाँ पे हम लोग एडिशन का रूल्स अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा लिख लीजिए एडिशन थ्योरम में, एडिशन थ्योरम लिख करके वहाँ पर एरो दे दीजिए, ताकि जब रिवीजन करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा। संभावना या दूसरी घटना घटने की संभावना क्या होगा, क्या जैसे होता है कि मानकर चलिए ये क्लासरूम है, यहाँ पे 10 स्टूडेंट बाहर में खड़ा है, वहाँ से पूछता है कि मे आई कम इन सर, ठीक ना। वहाँ हम ऑप्शन देंगे दो ही पर्सन का, मान के चलिए सबका नाम डिफरेंट है, ए बी सी करके नाम डाल दिए, तो हम वहाँ पे बोलेंगे ठीक है आइए, ए या बी, या ए और बी, इसका मतलब ये होगा या तो ए आएगा या बी आएगा, इसका मतलब ये हुआ, हम कहना ये चाह रहा है उनमें से कोई एक ही को आना है क्या, तो वो या का ये हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक दो सम करेंगे तो अपने आप को पता चलेगा। अब इसको हम मिटाते हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, कहता है ए बैग कंटेन फोर व्हाइट टू ब्लैक थ्री येलो एंड थ्री रेड बॉल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट और रेड बॉल एट रेंडम इन ए सिंगल ड्रॉ ऑफ वन। यानी कि एक बैग है, कहता है एक बैग है, इलुस्ट्रेशन नंबर 10 है, ये इलुस्ट्रेशन नंबर 10 है, खाने रहे, जैसे ये खुल के रखा जाता है ना सूख जाता है।
इलुस्ट्रेशन नंबर 10 है, कहता है एक बैग है, ये बैग में कहता है कंटेन है, कहता है ये बैग कंटेन 4 white, 2 black and 3 yellow है, यानी कि एक बैग में कंटेन है आपको, कहता है 4 white ball है, सेकंड में कहता है 2 black ball है, फिर कहता है 3 yellow ball है और 3 red ball है, मतलब W को white समझेंगे, B को black, Y को yellow और R को red। कहता है What is the probability of getting a white or red ball at random in a single draw? कहता white ball है, ठीक ना? White ball एक single draw किया गया है, एक ball को draw कर लिया गया है, ठीक है? At random, एकाएक यादृच्छिक, एकाएक एक बॉल को ड्रॉन कर लिया गया है, जिसमें कहता है क्या चांसेज है कि या तो बॉल वह वाइट है या रेड बॉल है, क्या? तो सबसे पहले हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो टोटल वेज निकालेंगे क्या, या टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, तो सॉल्व करेंगे टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, सिंपल स्पेस या वेज बोलिए, ठीक है? तो यहां पे हो जाएगा कुल मिलाकर के 4 plus 2 plus 3 plus 3 इक्वल टू कितना हो रहा है? 12 हुआ, ठीक है? एनसीआर के रूप में आप लिखेंगे क्या, इसलिए सैंपल स्पेस ये राइटिंग दिखा दे रहा ना यहाँ पे, ठीक है? सैंपल स्पेस अब उस पे बैठ जाता है आपको, जहाँ पे, क्योंकि कल कहीं कहीं ऐसा हुआ था ना जो धुंधला हो गया था, ठीक ना? कितना बोलता है जैसे क्लियर नहीं है। सैंपल स्पेस इज इक्वल टू हो जाएगा आपको कितना था, 12 C1 होगी क्या, क्योंकि बॉल तो एक ही ड्रॉ किया गया है। उसके बाद इवेंट आपको है, इवेंट एक बॉल ड्रॉ किया गया है, इवेंट ऑफ एक तो होगा वाइट बॉल के लिए, वाइट बॉल, ठीक है ना? तो वाइट बॉल के लिए हो जाएगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल लिखेंगे, बात देखी है? तो कितना है वाइट, 4 है तो 4 C1 हो जाएंगे। फिर इवेंट ऑफ क्या था, रेड बॉल, रेड बॉल्स तो इसके लिए हो जाएंगे 3 C1 होगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट और ए रेड बॉल, ठीक है? तो P इज इक्वल टू वाइट को मैं W बोलूँगा, और क्या था, रेड है ना, R इज इक्वल टू हो जाएगा इतना बाय इतना क्या, 4 C1 by 12 C1। नीचे वाला दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से दिखेगा, हाँ, प्लस ये भी हो जाएगा 3 C1 प्लस 12 C1
इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 4/12 और 3/12 क्या 4/12 प्लस 3/12 इज इक्वल टू 7/12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये आ गया। तो ये रहा हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ ताकि किन्हीं को कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन क्या था, हम लोगों का क्वेश्चन में ये बोल रखा था ए बॉल कंटेन्स 4 white ball 2 blue ball 3 yellow ball एंड 3 red ball। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट और रेड बॉल एट ए सिंगल ड्रॉन। मतलब ये है कि आपको बताना ये है कि एक बैग में 4 white था, 2 blue था, 3 yellow ball थी और 3 red ball थी। उसमें आपको ये बताना है कि एट रैंडम एक बॉल को विथड्रॉ कर लिया, क्या चांसेज है कि वह बॉल जो थी वो या तो वाइट थी या रेड थी। इसलिए हम लोग क्या किए, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बेस निकाले तो 12 आया। उसका सैंपल स्पेस कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में आया तो 12/1 चूँकि एक ड्रॉन किया गया है, टोटल बेस था 12। इवेंट ऑफ वाइट बॉल के लिए हो जाएगा 4/1 या इस तरह से भी आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल 4/1। फिर इवेंट ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू 3/3/1। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट और रेड बॉल, वाइट W हुआ और रेड हुआ, इसका इस तरह मैं निकाला तो 7/12 हो गया। यहाँ तक सभी को क्लियर कट है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो आगे देखेंगे। इलुस्ट्रेशन नंबर में 11 में आऊँगा। अब देखिए इलुस्ट्रेशन नंबर 11 है। कहता है ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। देखिए वहां पर याद रखिएगा वो जो 12/52 दिया ना ऑर्डिनरी, वहां गलती दिया था, वहां पे 13 ही होगा, समझे, वो मिस्टेक किया हुआ बुक में, तो याद रखें 13 ही होगा, इसलिए हमको कल कन्फ्यूजन हो रहा था। क्योंकि ऑर्डिनरी कार्ड मतलब जो खेलने वाला पत्ती है, एक्चुअली जितना होता है उतना टोटल लेना है, ठीक ना, ऑर्डिनरी का मतलब ये होता है। अब देखिए यहाँ पर ये कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए कार्ड ड्रॉन इज इधर ए स्पेड और द एस ऑफ डायमंड। आपको देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला है एक कार्ड था, पहले क्वेश्चन को समझ रहे हैं, प्लेइंग कार्ड है जिसमें कितना होता है 52 होता है, 52 प्लेइंग कार्ड है, इसमें से ड्रॉ किया गया है ट्रेंडम एक कार्ड जिसमें बोला है कार्ड कहता है इक्का या ईट का कहता है खींचे गए पत्ते में हुकुम का इक्का कहता है डॉज इधर स्पेड और द एस ऑफ डायमंड। आपको बताना है ये था एस ऑफ स्पेड, स्पेड और कहता है एस ऑफ डायमंड या तो एस ऑफ एस ऑफ डायमंड। तो आप देखिए हम लोग क्या सोचेंगे, कहता है आपको 52 जो कार्ड है उसमें से एक कार्ड को एट रैंडम ड्रॉन कर लिया गया, क्या संभावना है कि या तो स्पेड ऑफ एस ऑफ स्पेड या तो वो कालापान का इक्का है, स्पेड मतलब हुकुम या कालापान बोलिए, या एस ऑफ डायमंड या ठिकरी का, ठिकरी बोला था डायमंड, ठीक है, ठिकरी का इक्का है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो स्पीड ऑफ एस ऑफ स्पीड जो दिया हुआ है ये कितना होगा आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको इसका नंबर होता है एक ही पत्ती होगा इक्का क्या, और डायमंड का भी इक्का कितना होगा एक ही होगा, इसलिए मैं निकालूँगा, इसलिए सैंपल स्पेस इज इक्वल टू हो जाएंगे 52
C1, उसके बाद होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सफ स्पीड, ये लिखे इवेंट, इवेंट ऑफ एस, एस ऑफ स्पीड, तो इसके लिए हो जाएगा आपको 1 और इवेंट ऑफ एस ऑफ डायमंड, ये हो जाएंगे। इसलिए होगा प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग गेटिंग अ एस ऑफ स्पीड और ए एस ऑफ डायमंड, ए सब डायमंड। ये जो क्लास होगी ना, ये फिर लाइव क्लास हो जाएगी। ये क्लासेज होगी ना वीडियो में, फिर लाइव क्लास होगा ये 12 बजे से। अभी जैसे जिस तरह पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, अभी तो नहीं हो रहा, रिकॉर्डिंग हो रही है, उस समय फिर लाइव क्लासेज चलेगा ये क्लास, समझ रहे हैं ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ स्पीड और डायमंड इज इक्वल टू हो जाएंगे आपको एस ऑफ स्पीड और एस ऑफ डायमंड। तो यहाँ पर तो ऑप्शन भी एक ही और एक ही सिलेक्शन भी हुआ क्या, तो 1C1 होगा, 1C1 बाई 52 C1 प्लस 1C1 बाई 52 C1 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो 1/52 और प्लस 1/52 आएंगे, इसका मतलब हुआ 2/52 या 1/26 आंसर होंगे, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है कॉन्सेप्ट, ये हो गया। अब नेक्स्ट नंबर एग्जांपल पे आता हूँ। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ईंट का पत्ता बोला था, एक चीज़ और ले लीजिए यहाँ पे, एक इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में एक चीज़ सुधार लीजिए, इसमें क्वेश्चन ये था, कहता खींचे गए पत्ते में हुकुम का इक्का या ईंट का पत्ता, ईंट का पत्ता बोला, ईंट का इक्का ने बोला है, तब तो यहाँ पर लेना पड़ेगा डायमंड, सीधे लेना पड़ेगा क्या, तो डायमंड का 13 ऑप्शन हो जाएगा क्या, चूँकि डायमंड का तो 13 होगा ना, तो यहाँ पर 13 ले लेंगे, चूँकि मैंने एक का दोनों का समझ लिया था, उसके बेसिस पे मैंने सॉल्व कर दिया था, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपको, यहाँ 13C1 हो जाएगा, 13C1, तो आपको यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 13 आएंगे, ये हो जाएंगे आपको 14 और ये हो जाएंगे आपको, अगर कट रहा है तो 2 से कटेगा तो 7/26 ये आंसर हो जाएंगे, आप लोग सुधार लेंगे, क्योंकि मैंने समझा था कि क्वेश्चन में दे रखा है एस ऑफ स्पीड और एस ऑफ डायमंड, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ था, नहीं स्पीड का इक्का और डायमंड का सिर्फ पत्ता, तो डायमंड का ऑप्शन क्या होता है, 13 होते हैं, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे,
कहता है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ इधर 7 or 11 ए सिंगल थ्रो विथ 2 dice, ठीक ना, 2 dice उछाला गया जिसमें 7 or 11 का सामने बोला है टोटल 7, यानी कि 7 or 11 का योग आने का क्या संभावना है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। क्या बोले? ये इलुस्ट्रेशन नंबर आपको होंगे 12, इलुस्ट्रेशन नंबर 12 है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, 2 dice को थ्रो किया गया एट रेंडम, इसमें क्या संभावना है कि वह 7 or 11 का योग होगा। क्या? तो देखिए 7 का योग कब कब हो सकता है। पहला अगर ड्रॉ करेंगे, थ्रो करेंगे डाइस, फर्स्ट अगर हम लोग थ्रो करते हैं डाइस को, तो फर्स्ट टाइम में 7 का योग, तो देखिए 1 में आएगा 1, तो दूसरा में आएगा 6, क्या 7 हो जाएगा। यदि इसमें आएगा 2 तो इसमें आएगा 5, यदि इसमें आएगा 3 तो इसमें आएगा 4, इसमें यदि आएगा 4 तो इसमें आएगा 3, इसमें यदि आएगा 5 तो इसमें आएगा 2, क्या यदि इसमें आएगा 6 तो इसमें आएगा 1, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ये आपको आ जाएगा 7 का योग, यानी कि टोटल ऑफ 7 इज इक्वल टू कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा चांस होगा कि टोटल 7 का योग आएगा, क्या 6 हो जाएगा। अब सेकेंड में कहता है, उसी में कहता है कितना चांसेज है कि आपको 7 का योग आएगा। तो सेकेंड राउंड में भी तो इसी तरह पेयर बनेगा है, बट हम लोग 11 का लेना है, तो 11 का देखिए 1, 6 और 5 11 हो रहा है, उसका पेयर बनाना है। तो सेकेंड जब थ्रो होगा तो हम लोग को 11 का पेयर बनानी है, तो इसका मतलब यहाँ पे यदि 5 आएगा तो दूसरे में आएगा 6, क्या पहला में 6 आएगा तो दूसरा में 5 आएगा, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्या। तो टोटल ऑफ 11 इज इक्वल टू 2 टाइम आएगा, दो बार ही ऐसा चांसेज होगा, क्या, इसलिए 2 dice है तो सिंपल स्पेस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू हो जाएंगे 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 36, क्या। तो सैंपल स्पेस इज इक्वल टू हो जाएंगे 36 से 1, क्योंकि 1 ही बोला है, या तो 7 या 6 का ये अब होगा, इसलिए हो जाएगा प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग इधर टोटल ऑफ 7 or 11, ठीक ना। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ 7 or 11 इज इक्वल टू हो जाएंगे आपको, इसमें कितना चांस है 6, क्या 6 C1 by 36 C1 प्लस इसमें 2 था 6 से इसमें 2 ही ना था 2 C1 by 36 C1, इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6/36 का। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पहला क्या आएगा 6/36 प्लस 2/36
इज इक्वल टू हो जाएगा 6 × 2 = 8 क्या 36, 6 + 2 इज इक्वल टू 8/36। इसको कटिंग कर दूंगा तो 4 से क्या 4 × 8 और 9 × 4 = 36 ये आंसर हो गया 2/9 ठीक ना। तो इसी तरह आप लोग बनाएंगे। आज का क्लास यहीं पर एंड हो रही है। आप लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखेंगे और जो भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड इशू होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर यहाँ पे मुझे इशू है, यहाँ पे परेशानियाँ हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसा सम होगा जो आप लोग से नहीं बनेगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप क्वेश्चन को सेंड करके सॉल्व करवा सकते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर जो है मेरा 6200710373 है और कॉलिंग नंबर भी यही है। एक और नंबर है 9155250697 है। ये मेरा दोनों कॉलिंग नंबर है और ये व्हाट्सअप नंबर भी है। ऐसे दोनों व्हाट्सअप नंबर है और कॉलिंग नंबर भी है, बट आप इसी पे व्हाट्सअप करेंगे तो होगा, चूँकि ये वाला मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना। तो आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और देखेंगे स्टार्ट से लेकर एंड तक मेरी वीडियो को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।